वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मेरी दुकान जो है चार मीनार के पास गुलजार रोशनी है और ये दुकान मैं 16 साल से लगा रहा हूँ सर। और यहाँ पर जो है सो क्रॉड बहुत ही कम है, ये साल कुछ भी क्रॉड ही नहीं है। कोरोना की वजह से जो ये बीमारी निकली है, लोग जो है डर रहे हैं आने के लिए, कुछ भी कारोबार ही नहीं है यहाँ पर। और पिछले 16 साल से जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, ये पहला साल है जो मेरे को ऐसा गया जो अभी तक जो है सो कुछ कारोबार ही नहीं है यहाँ पर, और जो है सो पब्लिक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और पतंग में जो है सो हमारे पास हाथ की पतंग बनी हुई है और परनी की पतंग है, और मांझे में जो है सो देसी हमारा हाथ का सूतेवा मांझा है और बरेली है और ताए का मांझा, सब वैरायटी है मांझे में भी हम लोग के पास। और पब्लिक जो है ना बिल्कुल ही कम है साहब यहाँ पर। ये साल में तो ये साल तक हुजूम इतना हो जाता था, हम संभाल नहीं सकते थे 10 तारीख तक, मगर कुछ भी हुजूम नहीं है, ऐसा खाली बैठे हुए हम लोग। आप लोग भी देख सकते, पूरे खाली खाली है, शॉप्स भी पूरे, पब्लिक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जो है पब्लिक बहुत डरी हुई है एकदम ये बीमारी से। ये हमारा कारोबार जो है बच्चों से है साहब, बच्चों को नहीं निकाल रहे हैं बाहर, छोटे बच्चों को नहीं निकाल रहे हैं। बच्चे जो है सो बच्चों को निकालने का से भी लोग डर रहे हैं कि कुछ भी एक बीमारी बीमारी किसको भी एक रहेंगी लगी हुआ रहेंगा, परेशान हो जाएंगे अपन बोल के। पब्लिक बच्चों को भी नहीं निकाल रहे हैं लोग जो है सो। पतंगों में कौन सी पतंग ज़्यादा बिक्री आपकी? ज़्यादा पेपर की हमारे हाथ की बिक्री साहब, यहाँ की पतंग जो है ना बहुत बिक्री है, हमारे हाथ की पतंग ही जाती और सब शौकीन यहाँ हाथ की पतंग बिलाने के ही शौकीन है। पॉलिटिकल्स में किसकी पतंग? पॉलिटिकल्स की देखिए साहब, पॉलिटिकल्स में मोदी साहब की पतंग थी और अपने केसीआर साहब की थी। केसीआर साहब का स्टॉक तो ख़त्म हो गया, मोदी साहब की थी थोड़ी बहुत, वो भी बेच दी हम लोग। और बाहुबली है फिर से, और हमारे सलमान खान की है पतंग हमारे पास, और सब वैरायटी है पतंग में। मेरा नाम भगवान दास बजाज, हमारी दुकान का नाम बजाज पतंग महल, और हमारा कारोबार ये हम 75 साल से कर रहे साहब, आज़ादी के ज़माने से छोटे से चालू करे सो हम चबूतरे से आज इतने बड़े काउंटर पे बिठाया भगवान अल्लाह मियाँ, बड़ी मेहरबानी है उनकी। और ये बार कारोबार अल्लाह के फजल से अच्छा ही चल रहा, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में विश्व में कोरोना की वजह से सारे फेस्टिवल डाउन चले गए, तो ये ऐसा फेस्टिवल है जो अपने छत के ऊपर से मनाने का है, तो हर कोई मना रहा, हर कोई पतंग ले रहा, गरीब भी अपने हिसाब से ले रहा, अमीर भी अपने हिसाब से ले रहा। बहर के मांझे को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दे रहे, हम लोग तागे का मांझा बेच रहे हैं जो हैदराबाद में भी बन रहा और सूरत से आ रहा, गुजरात से आ रहा, बहुत अच्छा मांझा है जो बहर को भी काट दे रहा। और मेरी हर किसी पतंग उड़ाने वाले से अजमन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बहर के मांझे को अवॉइड कीजिए आप और तागे के मांझे से पतंग उड़ाइए, क्योंकि वो हार्मफुल है, परिंदों को तो हार्मफुल है, इंसान भी उससे कुछ भी हो सकता इसलिए। और हमारे पास पतंग 1 रुपये से स्टार्ट है साहब, आज भी सिर्फ 1 रुपये में, 1 रुपये से लेके 30 रुपये तक पतंग है, 2 रुपये से लेके मांझा 1000 रुपये तक है, जैसा चाहे वैसा आप बोलो तो आपकी सूरत की पतंग भी बना के दे सकते हैं हम, इतनी हमारे पास सुविधा है। और पतंग के ऊपर एक बहुत प्यारा सॉन्ग भी है साहब, आज का नहीं बहुत पुराने पिक्चर का है, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और पूछिए साहब, आपने किस वैरायटी के पतंग आए अभी? फिलहाल ये टाइम में नरेंद्र मोदी की पतंग खूब चल रही है साहब, इतनी चल रही कोई हिसाब नहीं है, लोगों का डिमांड भी पूरा नहीं कर सक रहे उतना ऑर्डर है। और तेलंगाना के हिसाब में यहाँ पे केसीआर साहब की चल रही, और हमारी MIM पार्टी का तो निशानी पतंग है, वो तो दौड़ रही है, उसका भी फुल चार्टेज है। MIM की पतंग गुजरात में भी चल रही फिलहाल, और परनी के पतंग ज़्यादा चल रहे हैं बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से हैदराबाद के पतंग, आजीबिया, दो कलम, लंगोट, ये पतंगों का भी खूब डिमांड है, पतंग का शॉर्टेज है, क्योंकि कोरोना की वजह से 3 महीने कुछ भी काम नहीं हुआ, लोग घरों के बाहर नहीं निकले, उस वजह से काम नहीं होने के कारण थोड़ा डिमांड है और लोग इंटरेस्ट से पतंग का फेस्टिवल मनाएंगे, ऐसा हमको नज़र आ रहा है साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ है, गुलदारस पे काली कमान के पास मेरी पतंग की दुकान है, महबूब अजीज़ पतंग हाउस। हमारा पतंगा बहुत पुराना काम है, पेपर की पतंग हम खुद बनाते, कोरोना की वजह से ये साल कारोबार बहुत कम है। आज 10 जनवरी है, आज संडे का दिन है, 10 जनवरी आप मार्केट देख सकते हैं आप, कारोबार नाम को कारोबार नहीं है, रिटेल गिरा, हालांकि 5-6 जनवरी से कारोबार उठ जाता था, अभी तक कारोबार नहीं है। पतंग आप देख ले सकते, इतनी स्टॉक पड़ी हुई है पतंग हमारे पास, फिर भी नाम को बराबर कारोबार नहीं है कोरोना की वजह से। किस वैरायटी की पतंग है आपके पास? पतंग वैरायटी सब है हमारे पास, परनी में है, बच्चों के लिए कार्टून वैरायटी, कार्टून की पतंग मिल जाती है पूरी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पेपर की पतंग मिल जाती है।
और उसमें एक फैंसी पतंग भी है, पूरे फैंसी पतंग वैरायटी में है और कपड़े के पतंग भी है। मांझे में कौन सा मांझा है आपका? मांझे में नौ तार है हमारे पास, ये नौ तार का मांझा है पांडे का, और इसमें और एक मोटा वाला आता है 12 तार का। क्या है तंगूस बनोने की वजह से पब्लिक ज़्यादा ये मांझे के पीछे पड़ी हुई है। 9 कॉर्ड्स का होना, 12 कॉर्ड्स का मांझा होना मोटा, 9 कॉर्ड्स का बहुत बढ़िया मांझा रहता है ये, 5 नंबर पांडा नाम से बिकता पांडा बोल के। पॉलिटिकल में किसकी पतंग आपके पास? पॉलिटिकल्स में नहीं है, पॉलिटिकल्स की पतंग किसके भी बच्चे ये, वो क्या है ये संक्रांति का है, खुशी का है ये, तो बच्चे क्या हो रहे हैं कार्टून के, कार्टूनों की होना पतंग, लीडर्स की वगैरह कुछ भी पतंग नहीं होना, बच्चे को मंगा के रखे हैं माल बिक रहा नहीं, वो वैसे पड़े हुआ रहा हमारा, ये रहे खराब होगा आखिरी में फेंकना पड़ा हमारे को पतंग पूरी, वो पूरी ओनली कार्टून्स बच्चों का एंजॉयमेंट का है ये, खाली पतंग कार्टून्स की एंजॉयमेंट के लिए होना पड़ रहे हैं बच्चे पतंग। और अपनी भी देख सकते हैं पूरे आप इसमें, ये इतनी बड़ी पतंग है ये 3 रुपये में एक मिलती है हमारे पास, 3 रुपये की एक पतंग है ये।